हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं विशाल आप सबका स्वागत करता हूं आप ही के चैनल में। उम्मीद है आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही होंगी। पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे चैनल से नोटिफिकेशन मिलने में आपको ज़रा सी भी देरी ना हो। तो दोस्तों आपको मैं बताऊँगा आज एक ऐसी ऐप जो आपको बहुत पसंद आएगी। दोस्तों आप फेसबुक तो नहीं, लेकिन अगर आप कोई क्रोम वगैरह कोई भी ब्राउज़र चलाते हैं तो आपको फेस करनी पड़ती है एक दिक्कत, जो होती है ऐड। दोस्तों ऐड बहुत आते हैं और आप उन ऐड से परेशान हो जाते हैं। YouTube पे भी ऐसे ही ऐड आते हैं, तो जगह जगह ऐसे ही ऐड आते हैं और आप उनसे परेशान हो जाते हैं। आप कंसंट्रेशन के साथ कोई भी वीडियो देख रहे होते हैं, कोई भी काम कर रहे होते हैं, वो ऐड डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों उन ऐड से छुटकारा कैसे पाएं। दोस्तों आपने सुना होगा बहुत सारे ब्लॉकर ऐड की ऐप होती हैं जो ऐड को ब्लॉकर कर देती हैं, यानी कि ऐड को हटा देती हैं। आपने सुना होगा लेकिन कभी यूज़ नहीं किया होगा। तो मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी है जिसकी मदद से आप जितने भी ऐड आ रहे हैं उन्हें ब्लॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन की लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ पे जाके इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, मैं इसे खोल के बता देता हूँ। दोस्तों ये ऐप काफ़ी सिंपल है। सबसे पहले इसे ऐप को खोल लेते हैं। दोस्तों ये एप्लीकेशन देख सकते हैं, दोस्तों मैंने 5 मिनट पहले ही इसे इंस्टॉल किया था, क्योंकि मैं पहले इसे यूज़ किया था। देखिए 5 मिनट के अंदर इसने 128 एड्स को ब्लॉक कर दिया और 200 MB ये काफ़ी ट्रैफिक भी सेव करती है। दोस्तों बहुत अच्छी एप्लीकेशन है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिएगा और ऊपर इनेबल का ऑप्शन है, इसे इनेबल कर सकते हैं। दोस्तों अब बात यह है कि आपको यूट्यूब के लिए भी ऐसा ही कुछ करना होगा। तो यूट्यूब के लिए अगर आपको ऐसा करना हो तो यहाँ पे लेफ्ट अपर कॉर्नर पे ड्रॉअर का देख सकते हैं साइन है, इस पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं स्टॉप ऐड फॉर यूट्यूब, उसके लिए भी आप स्टॉप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, इसे यूज़ करके देखिएगा, डेफिनेटली मज़ा आएगा। इसमें आप जैसे ही इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद आपको एक इसको इनेबल करने के लिए ऑप्शन आएगा इसकी सेटिंग में, आपको ये डायरेक्ट आपकी सेटिंग में भेज देगा, उसे आप ओपन कर दीजिएगा। और इस ऐप की लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। हर बार की तरह अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।